जैसा और यहाँ उपस्थित बहुत सारे विद्या पुरुष नागरिक हमारे सब साथीदार सबको नमस्ते करते हुए आज के इस अवसर पे थोड़ी अपनी बात भी आभार मानने से ये प्रवचन सुन रही थी तो मुझे याद आ रहा था वो दिन की जब यूनेस्को का ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ और पब्लिक में आया तो मुझे बराबर याद है कि रामलाल भाई उससे इतने खुश थे कि ये जो ट्रिपल पिलर्स बनाए गए इस रिपोर्ट में उससे वो बहुत ही राजी थे। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट उनकी खुद की हो इस तरह वो राजी थे। मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ेगा, उन्होंने कहा कि नहीं ये गांधी मूल्यों की पुनः प्रस्थापना है। उन्होंने शुरुआत की थी जब 60s में गुजरात विद्यापीठ में, तब उन्हें और विक्रम साराभाई ने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था और वो था लर्निंग टू नो और लर्निंग टू डू, ये दोनों के बीच में कैसे संवादिता स्थापित की जाए और कैसे बच्चों को 6 साल की उम्र से ही ये संस्कार दिए जाए कि नो और डू ये दोनों में वो बैलेंस कर सके। तो विज्ञान के जरिए ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अनफॉर्चुनेटली साराभाई रहे नहीं, कुछ ही दिनों में उनका इंतवास हो गया और ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चल पाया। लेकिन ये जो 4 वैल्यूज है वो वैल्यूज बहुत ही महत्व की है और रामलाल भाई के बहुत करीब थे और इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज के दिन डॉक्टर चरण सिंह जी आए और बहुत मुश्किल था उनको लाने का और बहुत सारे लोगों ने भी मुझे ये कहा कि आप चरण सिंह जी को कैसे पकड़ के ले आए। कहने नहीं लेकिन हमारे चेयरमैन निवेदिया साहब ने उनको पकड़ा है और उनको पकड़ के यहाँ खींच लाए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, आज मुझे बहुत ही खुशी है कि बहुत सुंदर ढंग से ये चारों चीज़ हम सबके सामने रखी गई। यहाँ पे बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर्स हैं, अध्यापक हैं और बहुत समाज में कुछ न कुछ अपना प्रदान देने वाले लोग हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये बात कहीं ना कहीं आगे जाएगी और सिर्फ यूनेस्को के रिपोर्ट में से निकल कर हमारी शालाओं में, हमारी महाशालाओं में, हमारी यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में वो बात आएगी और यही एक मकसद, यही एक आशा, यही एक अपेक्षा के साथ हम हर साल ये काम करते रहे हैं। और 15 साल के आप सभी विषय देखेंगे तो वो विषय में आखिरी बात तो यही है कि शिक्षा को कहीं न कहीं बदला जाए और कहीं न कहीं मानव सच्चे अर्थ में मानव के नजदीक लाया जाए। तो मैं फिर से एक बार डॉक्टर चरण सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम हमारी संस्था के लिए, गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए किया है और हमारे शिक्षा जगत के लिए किया है। कुमार पाल भाई तो हमारे खुद के हैं इसलिए मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा करूँगी। उनके और मेरे बीच के संबंध ये है कि मैं अगर शुक्रिया अदा करूँगी तो मुझे मार पड़ेगा, लेकिन आप सब लोग आए हैं और हर साल आते रहते हैं ये हमारे लिए बहुत गौरव और आनंद की बात है। आप सबका धन्यवाद अदा करके આ સભાનું સમાપન આપણે સૌ ઊભા થઈ પોતાની જગ્યા પર ઊભા થઈ રાષ્ટ્રગીત ગાઈને પૂરું કરીશું। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ
Ahí aquí.